अस्सलामुअलैकुम। कक्षा 6 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथी कार्य पाठ 7। यह भी एक परीक्षा जो एक एकांकी है और जिसे सुरेंद्र अंचल जी ने लिखा है। हम इस पाठ को अच्छी तरह समझ चुके हैं और पिछली बार हमने स्वाध्याय पोथी कार्य में प्रश्न 1 से प्रश्न 5 किया था। आज हम थोड़ा आगे देखेंगे, तो चलो बच्चों शुरुआत करें। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला सवाल है, बुटपालिस वाले ने राहगीर से क्या कहा। राहगीर यानि मुसाफिर। बुटपालिस वाले ने राहगीर से क्या कहा? बुटपालिस वाले ने राहगीर से कहा कि मैं आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा। क्या कहा राहगीर से? कि आपके जूते चमकाकर शानदार बना दूंगा, मैं उन्हें आईना बना दूंगा, उनमें अपनी शक्ल देखकर फिर आप पैसे दीजिए, वो भी कितने? सिर्फ 2 रुपये। दूसरा सवाल देखें, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था। भिखारी के कटोरे में हम देख गए क्या क्या था, कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी थी। क्या था? भिखारी के कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और कुछ रेजगारी थी। आगे देखें, तीसरा सवाल, देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। अंधे भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी। भिखारी को क्या? किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी जिससे उसकी टांग में जख्म हो गया था। टक्कर के कारण उसका पेट जख्मी हो गया था। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा कड़ा रहा था। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी। क्या था? उसे इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया, क्योंकि उसे इलाज की ज़रूरत थी। उसके पैर जो थे वो जख्म हो गया था पैर में, इसीलिए। चौथा सवाल, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के घर फोन क्यों किया। परीक्षा का पहला दिन था और देवेंद्र क्या था? अनुपस्थित था। ऊपर से देवेंद्र जो था वो मेधावी छात्र था, होशियार बच्चा था। उसके ना आने की खबर से प्रधानाध्यापक जो थे वो चिंतित हो गए थे, इसीलिए उन्होंने क्या करा, देवेंद्र के घर फोन लगाया। तो हम क्या लिखेंगे, प्रधानाध्यापक को बताया गया कि परीक्षा शुरू हो गई थी परंतु देवेंद्र नहीं गया था। देवेंद्र मेधावी छात्र था, वह उन विद्यार्थियों में था जो प्रथम श्रेणी में आते थे। उसके अभी तक न आने से प्रधानाध्यापक चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि रास्ते में वह किसी दुर्घटना का शिकार ना हो गया हो, इसलिए स्थिति का पता लगाने के लिए उन्होंने देवेंद्र के घर फोन लगाया। चलो अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, देवेंद्र के परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की क्यों मदद की। उसने क्या देखा कि जब भिखारी के पैर में पाँव में चोट लगी थी तो उसमें खून बह रहा था, उसे अस्पताल ले जाना ज़रूरी था। उसने क्या सोचा, परीक्षा तो है लेकिन मानव की सेवा जो है वो उसका पहला कर्तव्य है, इंसानियत के नाते वो उसे कहाँ ले गया, अस्पताल ले गया। तो हम लिखेंगे, भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुँचाना ज़रूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था, इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की, बराबर। अब देखेंगे, प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को क्यों बधाई दी। देवेंद्र जो था वो मेधावी छात्र था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था कि वो होशियार था, इसीलिए पास होगा। उसने एक भिखारी की सहायता की, परीक्षा होने के बावजूद में वो उसे अस्पताल ले गया। इस तरह देवेंद्र जो था वो इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया, इसीलिए प्रधानाध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई दी। हम लिखेंगे, देवेंद्र मेधावी था, स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। इसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता भी की थी, अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था,
इस तरह देवेंद्र इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था, इसलिए प्रधानाध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। आगे देखें, क्या देवेंद्र ने जो किया वो सही था? क्यों? भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत ही सही काम किया था, क्योंकि वो भिखारी जो था वो अपाहिज था। ऊपर से उसके पैर में गहरी चोट थी और वह उसमें से खून बह रहा था। उसे अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी था। अगर वह उसे अस्पताल ना पहुंचाता तो उसकी क्या दशा होती? तो उसका पहला कर्तव्य क्या था? उसे अस्पताल पहुंचाना। तो हम लिखेंगे, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती ना कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसलिए उसने जो किया वह सही किया था। चलो अब हम देखेंगे प्रश्न 8। प्रत्येक चित्र के बारे में एक दो वाक्य लिखिए। हमें यहाँ पर चित्र दिया है जिस पर से हमें दो वाक्य लिखने हैं। देखो बच्चों, ये चित्र आपको समझ में आ ही गया होगा। ये इंडियन एयरलाइन का चित्र है। तो यह इंडियन एयरलाइन का निशान है। हवाई जहाज पर यह चिन्ह होता है। किस पर होता है? हवाई जहाज पर यह चिन्ह होता है। दूसरा चित्र देखो अब, ये निशान किसका है? ट्रैफिक सिग्नल, बराबर। यह उपकरण, ये साधन किसका है? सिग्नल का है, ट्रैफिक सिग्नल का है। इसमें पीले, नीले, लाल और हरे रंग की बत्तियां होती है। इसमें पीले, लाल और हरे रंग की बत्तियां होती है। इन रंगों के बत्तियों के सूचना के अनुसार वाहन रुकते हैं या तो फिर सड़क पार कर सकते हैं। बच्चों आपने ये देखा ही होगा, बराबर ने? चलो अब हम आगे देखें। यह है न्याय की देवी, बराबर। उसकी मूर्ति है तो हम लिखेंगे यह न्याय की देवी की मूर्ति है। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। वह निष्पक्षता का तथा तराजू जो है उस न्याय का सूचन करते हैं। आगे हम देखेंगे नंबर 4। यहाँ पर तुम्हें फूल दिख रहा है और दिखाए फूल तोड़ना मना है। बगीचे या फुलवारी में लगी इस सूचना का क्या अर्थ होता है? कि यहाँ पर फूल ना तोड़े। नंबर 5 पे देखेंगे हम। यहाँ हमें कूड़ादान दिख रहा है और यहाँ पर कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालता एक व्यक्ति दिख रहा है। इस निशान का अर्थ है कूड़ा यहाँ रखे, कूड़ेदान में ही डाले, बराबर। चलो आगे देखें, नंबर 6 पे है शांति रखिए। यहाँ पर एक लड़की शांति की हमें दिख रही है, शांति का चिन्ह बता रही है। इस चित्र का अर्थ है कि इस क्षेत्र में शांति बनाए रखें। प्रायः ये कहाँ पर होता है? अस्पतालों के पास यह चित्र रखा जाता है। बच्चों ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।